Hi guys, assalamu alaikum. I hope all are you doing well by the grace of Allah. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस. आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है आपको आगाही देने के लिए कि यहाँ पे जो जॉब सिस्टम है वो किस तरीके का है. इधर अगर आप यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा पे तो आपके लिए जॉब के सिनेरियोस क्या रहेंगे, और इधर अगर आपके पास खुद का अपना वीज़ा है तो यहाँ पे आपके पास जॉब के सिनेरियोस क्या रहेंगे. तो जैसा कि गाइस आपको पता ही है, दुबई में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग है यहाँ पर. तो गाइस मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस रहा है. तो पहले तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, आई मीन द स्किल विच यू कैन शो समवन, द स्किल विच यू हैव अ कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ दैट समथिंग टू शो एंड यू हैव समथिंग टू डू, तब आप यूएई में कदम रखिएगा. अदरवाइज यहाँ पे आके आपको ख्वार ही होना. तो गाइस मुझे यहाँ से फ्लावर मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसको मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे. सो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं विजिट वीज़ा पे जो लोग आते हैं वो जो जब जॉब ढूंढते हैं तो जाहिर सी बात है उनको एट अ सडन जॉब नहीं मिलती. अगर आप स्किल पर्सन होंगे और अगर आपको अच्छी स्किल आती होगी और अगर आप अपने स्किल पे कॉन्फिडेंट होंगे तो होप्स तो आपको विद इन अ मंथ ही जॉब मिल जाए. तो गाइस अब बात करते हैं अगर आपको विजिट वीज़ा पे कोई जॉब मिल भी जाती है और कोई आपको जॉब दे भी देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप लोगों को रुलवाते हैं वीज़ा के चक्कर के लिए. चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि वीज़ा प्रोसेस आप फुली से स्टडी करके आएँ, आप थॉरली डीप डाउन पढ़ के आइएगा कि वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है लेबर को और वो जब कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है. तो गाइस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द वीज़ा प्रोसेस और बस आ जाते हैं और जब वो कंपनी में जाते हैं तो बस वो शोर मचाने लग जाते हैं कि हमें वीज़ा दें. तो मैं अपनी रियल टाइम एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि अगर तो आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो आप लोगों को वो 2 महीने तो ये आप लोगों को चेक करने में लगा. तो गाइस वीज़ा 1 महीना लेता है और विद इन 2 मंथ्स आपका वीज़ा आ जाता है, अप्लाई कर दिया है तो आप उनसे ट्रैकिंग नंबर लेना ना भूलें. सेकेंड चीज़ आती है गाइस वर्क परमिट, और जब आपका वीज़ा आ जाता है तो वो लोग ही आपको वर्क परमिट निकाल के देते हैं. लोग होते हैं जब आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं. अगर आप यूएई के लॉज में जाके देखें तो ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप किसी का पासपोर्ट लेके रखें. आप अपना पासपोर्ट किसी को मत दीजिएगा. एंड देन बात आती है जॉब स्विच करने की. ये लोग आपको बाउंड कर देते हैं कि 2 साल तक आप कहीं नहीं जाएंगे, 2 साल तक आपको कोई छुट्टी नहीं देगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, हर साल आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है. तीसरी चीज़ ये गाइस कि 6 महीने बाद उस कंपनी में जिस कंपनी ने आपका वीज़ा लगवाया है 6 महीने बाद आप वहाँ से मूव हो सकते हैं, कोई दूसरी जॉब देख सकते हैं. अब गाइस इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दें, उसके भी चार्जेस लगते हैं. और इट डिपेंड्स ऑन देम कि ये वो लोग आपको इजाज़त देते हैं कि यस आप मूव हो सकते हैं इसी के ऊपर. चौथी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी है गाइस वो ये है कि जब आप अपनी जॉब को स्विच कर रहे हों आफ्टर 6 मंथ, जिस कंपनी ने आपने वीज़ा दिया है उस कंपनी से किसी और कंपनी जा रहे हों और वो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही हो और वो आपको इजाज़त दे रही हो कि यस यू कैन यूज़ दिस वीज़ा एंड यू कैन डू एनी वेयर जॉब विद दिस वीज़ा, वी आर नॉट कैंसिलिंग इट. सो गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, उनसे आप NOC लेना ना भूलिएगा. NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है. और गाइस आपको तो ये बात पता ही होगी कि UAE अब अलाउ नहीं कर रहा है बैचलर्स से कम एजुकेशन वालों को. तो गाइस आने से पहले आपको ये कंसिडर करना है आपने बैचलर्स किया हुआ हो किसी भी फील्ड के अंदर. दूसरी चीज़ गाइस ये कि आप वो डिग्री जो भी आपकी बैचलर्स की डिग्री है आप उसको प्रॉपर अटेस्ट करा के आएँ. तो अगर ये पता करना है कि कौन कौन सी जगहों से अटेस्ट करवाना है तो आप अब मेरी वीडियोस में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाइंग का प्रोसीजर बताया, उसी में मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि हम किस तरह से अटेस्ट करा सकते हैं. और फिर जब आप दुबई आएंगे तो यहाँ पे आके आपको दुबई कॉन्सुलेट से भी अपनी डिग्री अटेस्ट करानी हो. तो गाइस अब मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ हैं जो आपको जॉब दिलाने के काम करती हैं, कि कभी भी आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को पैसे नहीं दीजिएगा. और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप उनके ज़रिए जॉब ना ही सर्च करें तो बेटर है. तो गाइस जब आप UAE में आते हैं तो एटलीस्ट जो भी कंपनी आपको हायर करती है वो लेती है 1 month and 1.5 months टू चेक यू. मैंने अपनी रियल एग्जाम्पल देखी है अपनी आँखों से. वो बेचारा अपने वीज़े पे था तकरीबन 6 मास, उसको 3rd महीने में ये मार्ट की जॉब मिल गई थी और वो अपने वीज़े पे था. मार्ट वाले उसको ये बोल के टहलाते थे कि हम अभी वीज़ा दे देंगे, अभी आपको 2 महीने चेक करेंगे. उसने क्या ठीक है कर लें, 2 महीने यूज़ किया. 3rd महीने यूज़ करने के बाद एंड टाइम पे ये कहा
कि भाई हमारी कंपनी का कोटा ख़त्म हो चुका है, चाह रही थी कि आप किसी तरीके से सबसे पहले अपना जो काम कराएं यहाँ पे आके वो अपना वीज़ा निकलवाएं किसी भी हाल में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं विद इन 1 month और विद इन 1.5 month। तो अब गाइस बात करते हैं अपने खुद के वीज़ा वालों की, उनका क्या असर होता है यहाँ पे। राहुल बेचारा सोच चुका है लेकिन इट्स ओके, इट्स नाइस। ये कहा जाता है कि जिसका अपना वीज़ा होता है वो बहुत फ़ायदे में होता है और वो बहुत ऐश कर रहा होता है और उसको ये फ़वाद मिलते हैं, उसको वो फ़वाद मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने वीज़ा वालों को भी लोग यूज़ करते हैं और एंड टाइम पे फेंक देते हैं। अपने वीज़ा वालों को लोग बोल के हायर करते हैं कि आपका अपना वीज़ा है, ओह इट्स ग्रेट, बहुत प्रेज देते हैं उनको, बहुत इज्जत देते हैं और कहते हैं उनको हायर कर लेते हैं, NOC वगैरह सब ले लेते हैं। 3 महीने काम कराया और उसको फारिग कर दिया, फिर कहीं और गया, उसने 1 महीने काम कराया उसको फारिग कर दिया। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यहाँ पर अपने वीज़ा वालों को लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से गाइस खुद के वीज़ा वाले भी हो रहे हैं यहाँ पे ख्वाब। तो अब मैं आपको वो टेक्निक बताने लगी हूँ जो खुद के वीज़ा वाले कर सकते हैं। क्या होगा अगर आपको कोई कंपनी हायर भी करेगी, उसके बाद अगर वो आपको फारिग करने का सोचेगी तो उसको कुछ सोचना पड़ जाएगा कि उसने जो आपके ऊपर खर्चा किया है, वो खर्चा करने के बाद अगर वो आपको फायर करे तो ये नुकसानदायक उसके लिए। या तो जल्द अज जल्द जैसे ही आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं जिनका अपना वीज़ा है, तो आप विद इन अ वीक, गाइस नॉट अ मंथ, नॉट 1.5 month, विद इन अ वीक आप अपना लेबर कार्ड हासिल कर सकते हैं। जी गाइस बिल्कुल, आप अपना लेबर कार्ड 1 हफ्ते में ले सकते हैं और कुछ कंपनियां आपको टहला देती हैं ये बोल के कि लेबर कार्ड आने में भी 1 महीना लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस ट्राई टू टेक विद योर कंपनी हु इज़ हायरिंग यू समथिंग विच इज़ इन हायर अमाउंट। तो गाइस आप लोगों को उनसे लेना है सेकंड थिंग इंश्योरेंस। जी गाइस बिल्कुल, आप लेबर कार्ड लेके खामोशी से नहीं बैठिएगा, आप लेबर कार्ड लेने के बाद पीछे लग जाइएगा इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि गाइस वैसे भी 2025 के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर कंपनी, वेदर वो पब्लिक सेक्टर तो देते ही देते हैं, वेदर वो प्राइवेट हो ना, 2025 में ये एप्लीकेबल होने जा रहा है कि इंश्योरेंस मैंडेटरी कंसिडर कर दिया गया है। गाइस ये था आज के हवाले से, आपको मैं कुछ ब्रीफिंग देना चाह रही थी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मिलेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये बेचारा मेरा फ्लावर है।